गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं बेटा? वेरी गुड। चलिए ठीक है, आज हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे? कविता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कविता पढ़ेंगे। सबके पास बुक्स हैं ना? बुक्स है तो आप लोग सब अपनी अपनी बुक खोलिए। देखिए उसमें हमारा एक ये वाला, यहाँ पे हमारी एक ये कविता है। कविता है देखिए आपकी बुक में है। ये पेज सब लोग खोल लीजिए, खोल लीजिए सब लोग। इसमें हमारी कविता का नाम क्या है आज? आम। क्या नाम है? आम। आम क्या होता है? आम को हम लोग क्या मतलब बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं आम जो है वह फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दो लोग हैं। ये कौन है भाई? ये कौन है? अच्छा, ये ऋचा है। और ये कौन है? श्री है। श्री है ना, देखो श्री चुपके से पीछे से आम खा रही है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग कविता पढ़ते हैं। ठीक है, फलों का राजा मैं कहलाता, आम है मेरा नाम। ठीक है, आप लोग भी रिवीजन करिए मेरे साथ। फलों का राजा मैं कहलाता, आम है मेरा नाम। मुँह में जाकर मिश्री घोलूं, यही है मेरा काम। गोला दशहरी चौसा लंगड़ा, कलमी तेसी मेरे नाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों आम जो है, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखिए स्माइल कर रहे हैं ना दोनों। ठीक है, चलिए आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करिए इसको। फलों का राजा मैं कहलाता, आम है मेरा नाम। मुँह में जाकर मिश्री घोलूं, यही है मेरा काम। गोला दशहरी चौसा लंगड़ा, कलमी देसी मेरे नाम। आम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप ये जानिए, आम जो होता है बेटा वो फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। आम जो है ये जब मुंह में जाता है तो मीठा मीठा टेस्ट लगता है। कैसा होता है? मीठा मीठा इसका टेस्ट होता है ना बेटा। और आम जो होते हैं बेटा वो कई तरीके के होते हैं। जैसे ये देखिए कौन कौन से आम होते हैं, गोला, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, कलमी और देसी। ये सारे जो है ना, ये बेटा एक प्रजाति होती है। ठीक है, जैसे हम लोग, जैसे आप लड़के हो तो लड़कों में कौन कौन है, जैसे होते हैं नहीं, ये अभिनव है तो वो कुंज है, ये आर्यश है और शिवांश है वो, और वो कौन भाई, श्रेयांश है। तो आप सब तो लड़के हो लेकिन सबके नाम अलग अलग है ना, तो उसी तरह बेटा आम तो आम होता है लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे गोला, दशहरी, चौसा, लंगड़ा। ठीक है बेटा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग घर पे इसी पोएम को बार बार पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे, जिससे जब आप हमसे मिलेंगे तो हमको ये बिना देखे आप सुनाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके बाय।